हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट पर वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे यस बैंक की। तो दोस्तों, यस बैंक में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। उस खबर के क्या मायने हैं, ये हम आपको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, न्यूज पे चलते हैं। न्यूज पे चलने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए। यस बैंक लिमिटेड अभी के दिन में जो है 2:10 हुए हैं, बात समझ रहे हैं। अब 2:10 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 13 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अगर मूवमेंट देखें तो ये देखिए, 5 पैसे ऊपर 5 पैसे नीचे का मूवमेंट है। बिल्कुल ही वॉल्यूम बिल्कुल डल है, राइट। मतलब ना तो इसको बेचने में कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ना खरीदने में इंटरेस्ट ले रहा है। सब इंतजार कर रहे हैं किस डेट का, 1 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं, जब इनका एक डेटा आएगा लोन ग्रोथ और इन सब चीजों का, राइट। तो अभी की डेट में देखिए, आज की डेट में ओपन हुआ ये 13 रुपए 75 पैसे पे, क्लोज हुआ 13 रुपए 60 पैसे। कल की डेट की क्लोजिंग है, आज की मत मान लीजिए, आज की तो अभी क्लोजिंग नहीं है, अभी ट्रेड कर रहा है लाइव, राइट। ये देखिए, रिफ्रेश कर रहा हूँ। एक चीज आप देखिए, चौंकाने वाली बात यह है कि आज की डेट में बायर्स ज्यादा है, सेलर्स कम है, राइट। तो ये जनरली इसमें सेलर्स ज्यादा होते हैं, बायर्स कम होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये शेयर ऊपर की तरफ 14 से नीचे आता है तो बायर बढ़ने लगते हैं। अभी देखिए, 14 के नीचे जो है बायर बढ़े हैं, तो कभी भी इसमें एक बाउंस बैक आ सकता है। अब देखिए, 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, 42-43% डिलीवरी ऊंची उठी है। तो वॉल्यूम देखिए दोस्तों, बहुत कम है आज की डेट में। तो अगर इसका हिस्टोरिकल डेटा वॉल्यूम का आप देखिएगा, आप देखिए सीधा 3 जून के बाद से, राइट, 3 जून के बाद से सीधा 14 जून तक, राइट। ये देखिए, 3 जून, 4 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून, 10 जून, 11 जून, वॉल्यूम कितना, 8 करोड़, 18 करोड़, 56 करोड़, 28, 22, 12, 13, 15। बट अभी की डेट में वॉल्यूम बहुत कम हो गया है। अब देखिए, 7 करोड़, 7 करोड़, 10, 10, 12, 9, 7, आज की डेट 8, आज की डेट में 4 करोड़ का वॉल्यूम अभी तक हुआ है, जबकि 1 घंटे का मार्केट बचा हुआ है क्लोज होने में। तो दोस्तों, यहाँ से निकल के आ रहा है कि आज की डेट में ना किसी को बेचने में इंटरेस्ट है, ना किसी को खरीदने में इंटरेस्ट है। फिलहाल आज की डेट की न्यूज यही है। अब हम सीधा उस न्यूज पे चलते हैं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये देखिए, आप सीधा 40 यस बैंक एक्वायर 47.83 लाख शेयर इन द बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन। दोस्तों, अब आपको मालूम होगा कि इनका यही चल रहा है 1.5 सालों से, लोन दिए हुए हैं, लोन नहीं चुका पाया, तो इनका जो है शेयर गिरवी रखे थे वो इनवोक कर दिए। इनवोक का मतलब क्या होता है कि गिरवी हुई जो शेयर जो है, कोई लोन लेता है तो इक्विटी शेयर उसका जो कुछ होता है तो वो गिरवी रखा जाता है। तो एक टाइम पे अगर डिफाई किया तो वो जो है रिवोक करके, मतलब पूरा जो है ये शेयर जो यस बैंक का हो गया, यस बैंक कभी भी चाहे तो बेच सकता है, राइट। लेकिन अभी तक बेचा नहीं है। अब इसमें देखिए कि 47 लाख, लगभग 48 लाख शेयर्स हैं, राइट। 10 रुपीज ईच की वैल्यू है, तो 40, अब यहाँ पे देखिए 48 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया, 4 करोड़ 80 लाख, राइट। लगभग 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 5 करोड़ रुपया, राइट। क्योंकि देखिए, टोटल शेयर कितने रिवोक किए हैं, 48 लाख, 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ, लगभग लगभग 5 करोड़ शेयर हुआ, राइट, 5 करोड़ रुपया हुआ। तो दोस्तों, 5 करोड़ रुपए, यही थंबनेल है कि ये जो है 5 करोड़ रुपए यस बैंक के पास आ गया है। आपको लग रहा होगा कि तो बहुत छोटा अमाउंट, हाँ छोटा अमाउंट, मैं भी बोल रहा हूँ छोटा अमाउंट है, लेकिन दोस्तों ये दिखाता है कि यस बैंक में मैनेजमेंट कितना एक्टिव है और इस तरह के फैसले लेने में वो पीछे नहीं हट रहा है, बात समझ रहे हैं। यस बैंक इस तरह के फैसले लेने के लिए पीछे नहीं हट रहा है, मैनेजमेंट लगातार काम कर रहा है। देखिए, 18.10% BIL में ये इसको इन्वोक कर दिया है, अब पूरा इसके पैसे हो गए हैं और यस बैंक जब चाहे तब इसको बेच सकता है। सीधा सीधा यस बैंक लिमिटेड ट्रांसफर्ड बैक ऑन जून 23 को इन्होंने 48 लाख शेयर 10 रुपए ईच की वैल्यू से जो है अधिग्रहण कर लिया बिजनेस इंडिया पब्लिकेशन, ये BIPL, राइट। सब पूरा लोन लेके बैठे हुए हैं, सब डिफाइल कर गए। तो यस बैंक में देखिए, राणा कपूर जी ने ऐसे ऐसे चुन चुन के लोन दिया था कि आज का कल की डेट में लुटा ही ना पाए, जिनको कहीं लोन नहीं मिलता था, बात समझ रहे हैं। और राणा कपूर के पास आते थे और अपना पेमेंट करते थे, ठीक है, और पूरा का पैसा जो है लेके चले जाते थे लोन, राइट।
तो ये राणा कपूर जी का यही हाल था कि हमको जैसे मैं सपोज कीजिए बाय द वे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं राणा कपूर हूँ और आपको लोन चाहिए, आपको क्या प्रोफाइल है बिजनेस इससे कोई मतलब नहीं, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 1,000 करोड़, तो ठीक है इसमें जो है 10% मतलब 100 करोड़ रुपए हमारी झोली में डाल दो, 1,000 करोड़ तुम ले जाओ, अपना 5-6 ईएमआई देते रहना, बाद में डिफॉल्ट कर जाना, मेरा क्या, मेरा तो पैसा आ गया, बाद में बैंक डिफॉल्ट कर गया। तो सेम कहानी चली है यस बैंक की, लोन लिए, राणा कपूर अपनी जेब में भरी, बाकी राणा कपूर गायब हो गए, लोन वाले गायब हो गए, फंस गए हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, राइट, और जितने डिपॉजिटर हैं फिर जो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके बचाया, नहीं तो फिर ये की डेट में, आज की डेट में जो है ये जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं डीलिस्ट हो जाता, अब बैठे बैठे हम लोग केवल गाना ही गाते और पूरा का पूरा पैसा चला जाता। तो आज की डेट में कम से कम ये है कि दोस्तों डीलिस्ट नहीं हुआ है, शेयर काम कर रहा है और ग्रोथ चल रही है, और अच्छा एक साल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये शेयर और अच्छा परफॉर्म करेगा और करेगा भी ये आगे आने वाले दिनों में। लेकिन दोस्तों अगर राणा कपूर की चली होती ना, तो राणा कपूर जी तो अपना काम कर गए थे, खेल गए थे, खेला जिसे बोलते हैं खेला हो गया, तो अपना खेला खेल गए थे, बाकी तो कहीं भी हो जेल में हो उससे क्या है, बैंक का तो बंटाधार उन्होंने कर ही दिया है। तो दोस्तों कहने का मतलब जो नया मैनेजमेंट आया है वो पूरा लगातार काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, देखिए इन्वोक किए गए हैं शेयर और ये पैसे 5 करोड़ रुपए यस बैंक की झोली में आ गए हैं, राइट। तो यस बैंक लगातार लगा हुआ है दोस्तों इस तरह की चीजों के लिए, देखिए रिसेंटली को जो है पार्टनरशिप हुई है यस बैंक से, ये भी न्यूज आई थी 2 दिन पहले, मैंने आपको बताया हुआ था, सेम चीज है, प्रोडक्ट बैंकिंग सोल्यूशन देने के लिए ये पार्टनरशिप हुई थी, लाइक जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह लेते हैं ना और अकाउंट खुलवाते हैं, अब वो जमाना गया कि हम लोग बैंक जाते हैं, बैंक में कोई नहीं जाता है, राइट। अब सीधा सीधा क्या होता है कि हमको अकाउंट खुलवाना है, हमने कॉल किया डायरेक्ट जो है ये सब पार्टनरशिप वाले टेक्नोलॉजी फर्म है सीधा करते हैं, वीडियो केवाईसी 5 मिनट में होता है, डॉक्यूमेंट्स वह हम जो है क्या होता है आधार कार्ड से ही वेरीफाई करते हैं, पूरा का पूरा अकाउंट हमारे नाम जो है आ गया और किट जो है वेलकम किट 4 दिन के अंदर आ गई। सेम चीज ही होना है इस तरह की दोस्तों आगे आने वाले दिनों में, इसका इफेक्ट बैंक को देखना पड़ेगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है, 1370 पे ट्रेड कर, आज की डेट में देखिए मूवमेंट 13 पैसा 1370 यही चल रहा है, तो बिल्कुल मूवमेंट फ्रीज है, ज्यादा मूवमेंट नहीं 5-10 पैसे की मूवमेंट है, बाकी जो है बैंक में कामकाज बढ़िया चल रहा है। आप देखिए यस बैंक ने जो है 5 करोड़ रुपए जो है इकट्ठा कर लिए हैं बैंक का लोन दे के, लोन दे के फिर रिनोक करना पड़ा, कल की डेट में शेयर भागेगा और रखेगा तो यस बैंक इसको बेच देगा, राइट। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं आप ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल मेरा मानना है कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे, आप अगर 6 महीने, राइट 6 महीने वाली 6 मंथ अगर आप वेट कर ले गए तो ये प्राइस जो 13 पैसा का है इस पे 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हुआ लगभग 28 रुपीज का, आपको 28 से 30 रुपीज ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, 28 से 30 रुपीज का ये प्राइस जा सकता है। दोस्तों कल के डेट मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था तो मैंने ये बोला हुआ था कि आप लोग भी बताइए आपका कमेंट क्या है प्राइस, तो ज्यादातर लोगों ने अगर आप, मैंने तो देखा हुआ है अगर आप भी देख सकते हैं तो मैं बता रहा हूँ कंसोलिडेट, ज्यादातर लोगों ने 25 से 30 रुपए बोला हुआ है, लगभग 90% लोगों ने, 1 से 2% लोगों ने भी 20 रुपए के आसपास बोला हुआ है और कुछ 8-10% लोगों ने 30 के ऊपर बोला हुआ है, लेकिन 90% लोगों ने बोला हुआ है कि 25 से 30 रुपए तक रहेगा टिल दिसंबर 21। तो दोस्तों अगर 26, 27, 28 रुपए भी टच कर जाता है फिर भी उनका कहना सही मेरा कहना सही, अब ये सब चीजें मैंने भी बोला था 30 रुपए तक जा सकता है, तो सेम वही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले दिनों के लिए यस बैंक में, और 1 जुलाई का दोस्तों ये डेट याद रखिएगा, मैं वीडियो बना के आपको अपडेट करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।